हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत नेशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, मैं सबसे पहले इस गाने के बारे में बता रहा हूँ कि ये गाना क्यों रिव्यू कर रहे हैं। किसी ने कमेंट किया, सजेशन किया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट ये मेरे दिल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मूवी आ रही है जोड़ी, बिल्कुल जोड़ी, ये जो मूवी आ रही है, मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू किया हमारा सेकंड चैनल पे, जिसमें हम लोग मूवी ट्रेलर करते हैं। ये एक्चुअली है जो बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता, जो चमकीला जी है, बिल्कुल अमर जो चमकीला जी दे थे, जोड़ी थी एक, तो वो लोग ना परफॉर्म करते थे और वो बहुत फेमस थे। हाँ। तो उनके आधार, उनके ऊपर आधारित ये मूवी है, बिल्कुल ठीक है। वैसे ऑफिशियल अपने वो एक बॉलीवुड के डायरेक्टर भी बनाने वाले, आपको अपडेट पता चल जाएगा, तो उनके आधारित है। तो मैं जब इसका ट्रेलर रिव्यू कर रहा था तो इतनी प्यारी मिट्टी का सुगंध आ रहा था, इंडिया का स्वाद आ रहा था उसके म्यूजिक में, ट्रेलर में अपने पंजाब का एक स्वाद आ रहा था, बिल्कुल समझ रहे हो आप, बिल्कुल पंजाब की मिट्टी का स्वाद आ रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब भी, और मैंने ट्रेलर में भी बोला कि यार जब भी इसका कोई भी गाना आएगा मैं रिव्यू करूंगा, बिल्कुल। तो किसी ने रिक्वेस्ट की या सजेस्ट किया कि मेरे को आइडिया नहीं, पर ये मेरे दिल से करूंगा क्योंकि दिलजीत भाई ने गाया है, निमृत खेरा जी भी है जो पंजाबी सिंगर है, और गाने का नाम है जिगरा ते लैजा गबरुआ जोड़ी, म्यूजिक ट्रू स्कूल का है। क्या चाहिए, राज रंजोत का ऑब्वियस लिरिक्स होगा, ट्रू स्कूल का म्यूजिक है, मतलब कुछ ना मिट्टी कुछ का ओरिजिनलिटी और मिट्टी का स्वाद तो रहेगा। गाइस मैं बता रहा हूँ, ये जब म्यूजिक जो मैं सुन रहा था, इतना प्यारा मिक्स किया था कि मतलब इतने एनालॉग बजा के भी इतना क्लीन मिक्स करना, वेरी नाइस है, मेरे को बहुत पसंद आया था ट्रेलर में। अभी इसको सुनना, आपको मजा आएगा क्योंकि मैंने तो सुना नहीं, अभी आपके साथ ही सुनूंगा। बाकी आते हैं, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे प्यार रखो, ऐसे सपोर्ट रखो, और प्लीज ऐसी पंजाबी गाने और भी हमसे छूट गए होगा तो सजेशन दो और फिर हम लोग फिर उसको रिव्यू करेंगे, मजा आएगा। देखिए यार, बस मिट्टी का स्वाद रहना चाहिए। अब मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रू स्कूल का म्यूजिक मैं रहता ही है, बिल्कुल मतलब एक मिट्टी का स्वाद रहता है। चल लगा दे, देख ए ये देखो, चले आ चले चले आ, तकनी 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 के तांगे कटनी है नाल। मैं किधर जावा हूं, ओ सांझा टांगा कीता मैडम नाल, मैं फिर टांगे ते जाना भाजी। सत श्री अकाल जी, महंगी पैगी तेरे नाल यारी वे, चंद्रा कोई पिंड दा बंदा अरे यार क्या बात है। थोड़े पिंड उठ दी धूड़नी है गए अठारे नी, दो तीन फट मैं भी खाते मारे आ बाले नी, दो तीन फट मैं भी खाते मारे आ बाले नी, रफड़े ना छबड़ा तोड़ दू तेरे सुपने लैंदा मरजू या मुड़ तू डरदा, क्या बात है, क्या पीला रहा है जो हम बचपन में ना भोंगे होते, भोंगा भी लाउडस्पीकर लगते ना गाँव में, उसमें कैसे गाने बजते थे जिसमें सिर्फ तबले का आवाज आता था, तबले के नाल का आवाज, चाट का कान का ढंग चाट का कान का ढंग कान का ढंग कान का ढंग
वो नहीं डग्गा नहीं आता था तो मतलब बेस नहीं आता था बेस नहीं आता तो मेरे को ना वो फील आ रहा था इतना मतलब इन्होंने अभी तो बहुत अच्छे हेडफोन्स यूज करते हम काफी अच्छे तो सुना ही आ रहा है प्रॉपर आज के जनरेशन का एक मिक्स मास्टर प्रॉपर आज के जनरेशन का इतना प्यारा अगर इतना अच्छा रिकॉर्ड किया है तो भी उसको मिक्स किया है प्रॉपर मास्टर किया है ठीक है ना और लिरिक्स काफी अच्छी है हाँ। दिलजीत दोसांझ निवृत्त खरा ने इतना प्यारा निभाया है बहुत बढ़िया वोकल से भी और वीडियो में भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है और ट्रू स्कूल का तो मतलब नाम मतलब क्या बोलूं उनके बारे में बता रहा हूँ जैसे कि मैं आजकल ऐसे टाइप के जो मिट्टी वाले गाने सुनता हूँ ना तो जो तबला ढोलक या अरेंजमेंट रहता है ना वो प्रिडिक्टेबल रहता है बिल्कुल कि मेरे को तो इसमें ना प्रेडिक्टेबल रहता है ये सब चीजें पर इसमें ना कुछ कुछ नहीं थी मैं कर रहा था कुछ कुछ बीच में कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है तो ऐसा नहीं का तो ये सब जो है ना आप नहीं समझोगे शायद जो म्यूजिक वाले देख रहे हैं ना उनको समझेगा कि मतलब दिन जो था ना दिन बोलो या कुछ और बोल बोलो ये प्रेडिक्टेबल नहीं थे कुछ अलग अलग आ रहे थे तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यार तो आपने देखा होगा हमने रुकाया नहीं गाना क्योंकि हाँ। इतना अच्छा लग रहा था और दूसरी बात ये है शूट काफी अच्छा किया यार कॉस्ट्यूम्स हाँ। शूट आर्ट डायरेक्शन कलर ग्रेडिंग इतनी प्यारी है कि मतलब लग रहा है कि मैं पीरियड मूवी देख रहा हूँ और पीरियड मूवी बनाना जो है वो कोई हलवा नहीं है हलवा बनाने वाला काम नहीं है मैं ये करता हूँ कि ये कंपोजिशन भी ना ट्रू स्कूल पाजी ने ही किया होगा कंपोजिशन तो लिखी कंपोजिशन तो यहाँ पे लिखा नहीं है बट हाँ इनका ही होना चाहिए कंपोजिशन लिरिक्स तो पता है राजबाजी की है बट हाँ म्यूजिक और कंपोजिशन काफी अच्छा है और ये दोनों लीड ने भी बहुत अच्छा संभाला है वेरी नाइस ये मुझे अच्छा लगा वेरी नाइस यार बहुत और मैं ये बात तो जरूर बोलूंगा कि दिलजीत पाजी ने अपने मिट्टी को अभी भी इतना कर रहे यार वो एक परफॉर्म किया यार अपना पंजाबी यार पाजी सत श्री अकाल बोल रहे पब्लिक सत श्री अकाल जी बोल रहे और क्या चीज है लाइफ में यार अपना एक ये बना के रख रहा वो बंदा प्राउड ऑफ यू पाजी वेरी नाइस बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना प्लीज हमको ऐसे ही सजेशन देते रहो तो हमको मजा आएगा ठीक है मैं चाहता हूँ कि और भी पंजाबी गाने इस मूवी के बोलो या कोई भी मूवी के बोलो हम लोग ट्रेलर तो उधर रिव्यू करते ही है पर गाने भी हमको सजेस्ट करो इस चैनल पे तो मजा ही आएगा बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो ऐसे ही सपोर्ट रखो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय जय भारत पीस आउट